गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9th लेवल 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेशन नंबर यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 7 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। वी यूज सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग। हम कुछ ग्रीटिंग के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम जब हम अपने मित्रों से मिलते हैं या अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं या किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं तो हम ग्रीट करके उन पर्सन से मिलते हैं, हाय हेलो करके या नमस्कार करके अभिवादन करके उनसे मिलते हैं। ऑल्सो वी यूज सर्टेन सेंटेंसेज टू टेल अबाउट योर सेल्फ अदर्स, और कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं अपने बारे में उनको बताने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए या उनसे पूछने के लिए। और जो हमसे कुछ जानना चाहते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो हमें जिनसे हम मिलते हैं फर्स्ट टाइम वो हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। आगे ग्रीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रीटिंग क्या होता है। देयर आर मैनी वेज टू ग्रीट ए पर्सन, मतलब व्यक्ति के द्वारा अभिवादन करने के तरीके काफ़ी सारे हो सकते हैं, अलग अलग वे हो सकते हैं। द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू ए ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन टू ए फ्रेंड, मतलब जो अभिवादन करने का तरीका है, नमस्कार करने का, हाय हेलो करने का तरीका काम के स्थान पर अलग हो सकता है और अपने मित्र के साथ जब आप मिलते हो उससे तरीका अलग हो सकता है ग्रीटिंग करने का। तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग तरीका होता है ग्रीटिंग करने का, हाय हेलो करने का, नमस्कार करने का, अभिवादन करने का। सिमिलरली देयर आर मैनी वेज टू से गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट, ऐसे ही अलग अलग तरीके होते हैं जब आप गुड बाय करके किसी से मिलकर आप जाते हो। द ग्रीटिंग चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर टॉकिंग टू और इवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, मतलब जिसे आप बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपको ग्रीट कैसे करना है आपने, और दिन के हिसाब से भी ग्रीटिंग का तरीका अलग हो जाता है। दिन के किस टाइम पे आप कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, रात को आप ग्रीट कर रहे हो, तो अलग वे रहेगा, अलग तरीका रहेगा ग्रीटिंग करने का। आगे टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग है आपकी, ग्रीटिंग करने के प्रकार क्या है। देर आर टू वेज ऑफ ग्रीटिंग, दो प्रकार की आपके ग्रीटिंग होती है, अभिवादन करने का तरीका होता है। जैसे कि से द ग्रीटिंग बिलो ए लाउड, आपने कुछ ऊंची आवाज में ग्रीटिंग करना है, ग्रीट करने का तरीका। तो फॉर्मल ग्रीटिंग मतलब औपचारिक अभिवादन करने का क्या तरीका है। फॉर्मल ग्रीटिंग आर यूज इफ यू डू नॉट नो पर्सन, औपचारिक जो ग्रीटिंग होती है तब प्रयोग किया जाता है जब आप जिस व्यक्ति के साथ आप मिल रहे हो उसको ग्रीट कर रहे हो, उसके बारे में नहीं जानते तो उसको फॉर्मल ग्रीटिंग कहा जाता है। इट इज़ यूज टू ग्रीट सीनियर, जैसे आपसे बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप जो मिलते हो पहली बार कैसे ग्रीट करोगे, एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, और पीपल विद वी हैव फॉर्मल रिलेशन, जिसके साथ हमारे कुछ औपचारिक रिश्ता है, जैसे कि टीचर हो गया, अध्यापक हैं आपके, कस्टमर्स हैं आपके, जैसे आपको कोई बिजनेस है उस बिजनेस में कपड़ों का बिजनेस है उसमें आपके जो कस्टमर हैं उससे कैसे आप आपके उनसे फॉर्मल रिलेशन रहेंगे, उनको कैसे आप हाय हेलो करोगे। दिस इज यूज मोर ऑफन इन स्कूल्स में भी आप ग्रीटिंग का प्रयोग करते हो, कॉलेजेस में करते हैं, ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। इसमें दो डायग्राम दिए हुए, जैसे एक तो फॉर्मल का इनफॉर्मल का है। फॉर्मल में जैसे हेलो बोल के आप ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग सुबह की नमस्ते, गुड आफ्टरनून दोपहर की नमस्ते, गुड इवनिंग शाम की नमस्ते करते हैं आप, हाय हेलो हाय करके बुलाते हैं, नमस्ते। जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग है आपकी, इनफॉर्मल में आता है आपका अनौपचारिक जो ग्रीटिंग होती है, अनौपचारिक अभिवादन करने का तरीका होता है, जैसे हाय करके आप बुलाते हो, हे करके, व्हाट्सएप क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ऐसे करके इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आप करते हो। से लाउड फॉर्मल ग्रीटिंग रिप्लाई गिवन वन बाय टेबल दी हुई है, इसमें आप ऊंची आवाज में बोलेंगे कैसे आप मौखिक जो आपकी ग्रीटिंग होती है औपचारिक ग्रीटिंग होती है और कैसे रिप्लाई होता है उसका। देखो गुड मॉर्निंग एवरी बॉडी, जैसे आप गुड मॉर्निंग एवरी बॉडी बोलते हैं, सबको नमस्ते, सबको सुबह की नमस्ते, तो गुड मॉर्निंग मैम
लेकिन नमस्ते मैम ऐसे बोलते हैं आप, रिप्लाई आता है आपके पास, गुड मॉर्निंग सर, सुबह की नमस्ते सर, यस गुड मॉर्निंग एवरीवन सबको, सुबह की नमस्ते, हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हो, वेरी वेल, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू टीना, टीना तुम कैसे हो, आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छी हूँ, हाउ आर यू, आप कैसे हो सर, तो इस तरह से आप अभिवादन करने का तरीका होता है।